हेलो गाइस, कैसे हम सब। आज अपने इस वीडियो में आपको डीमार्ट का पूरा डिटेल एनालिसिस बताने वाला हूँ। तो चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलिए हम वीकली टाइम फ्रेम, और वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि अभी डीमार्ट में क्या चल रहा है। देखो गाइस, ये है अपना डीमार्ट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। अगर आप देखोगे तो डीमार्ट अप्रॉक्स 5920 का हाई लगाया था, और हाई लगाने के बाद गाइस प्राइस यहाँ से गिरना स्टार्ट किया। और अगर आप देखोगे तो डीमार्ट कंटिन्यू एक ट्रेंड लाइन के सहारे प्राइस गिर रहा था। अगर आप देखोगे, अगर हम ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रा करेंगे तो एग्जैक्ट इस ट्रेंड लाइन के सहारे प्राइज कंटिन्यू गिर रहा है। प्राइज गिरा, इसी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया, प्राइज फिर गिरा, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेकर प्राइज गिरा। और फिर अगर आप देखोगे तो प्राइज इसलिए यहाँ पास कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद डाउन साइड ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद एग्जैक्ट इसी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइज फिर गिर रहा है। तो अब क्या हो सकता है यहाँ की, देखो अब ये हो सकता है कि अपने लिए डाउनसाइड के लिए एक अच्छा खासा ये सपोर्ट लेवल है। अगर आप देखोगे जहाँ से प्राइस रिवर्स किया था, ये अपने लिए एक बेस्ट सपोर्ट लेवल का काम करेगा। क्लियर हो इतना। अब देखो, अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ से गिर रहा है तो दो चीज़ें हो सकती हैं। प्राइस गिरा, अब गया, गिरा। अगर आप प्राइस यहाँ से अब जाता है, और जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता, जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक हम डीमार्ट में कोई भी लॉन्ग टर्म के लिए बाई पोजिशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि प्राइज में एक अपने को डाउन साइड भी ब्रेकआउट मिल सकता है। अगर प्राइज इस लेवल को ब्रेक कर देगा तो, इस लेवल को प्राइज ब्रेक कर देगा तो हमें डाउन साइड भी ब्रेकआउट मिल सकता है। क्लियर हो गए। अब देखो, अब थोड़ा डिटेल समझते हैं। अगर हम यहाँ देखेंगे तो एग्जैक्ट प्राइज यहाँ कंसोलिडेट किया। अगर आप देखोगे तो प्राइज इस लेवल पर क्या किया था, जब प्राइज यहाँ से गिरा था, गिरने के बाद यहाँ अच्छा खासा कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद प्राइज गिरा, गिरने के बाद रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के साथ साथ स्ट्रेट लाइन का भी रेजिस्टेंस लिया, और रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइज गिरा। क्लियर हुआ। तो अब तो ये हो सकता है कि प्राइज अभी कुछ दिन इसी वे पे घूमे। अगर हम स्ट्रेट लाइन को ऐसे बढ़ा देते हैं तो प्राइज इसी वे पे घूमे और फिर जिस साइड ब्रेक करें, अगर अप साइड ब्रेक करता है तो हम अप साइड के लिए रेडी रहेंगे, और डाउन साइड ब्रेक करता है तो हम डाउन साइड के लिए रेडी रहेंगे। क्लियर हुआ इतना। लेकिन अभी कोई भी लॉन्ग टर्म के लिए बाई पोजिशन नहीं बनाएंगे। ये था गाइस वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस। अब हम चलते हैं डेवन टाइम फ्रेम, और डेवन टाइम फ्रेम को डिटेल से समझेंगे कि अभी क्या कर सकते हैं। देखो गाइस, यहाँ कितना गजब का यहाँ कंसोलिडेट किया था, अच्छा खासा कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट, ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट, रीटेस्ट करने के बाद प्राइस फिर से यहाँ गिर रहा है। अब देखो, अगर आप डीमार्ट को देखोगे तो अभी जब प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है, और यहाँ पास बेस बना रहा है, यहाँ पास बेस बना रहा है। क्लियर हुआ। अब गाइस ये हो सकता है कि प्राइस इसी वे पे, प्राइस यहाँ से आप जाए ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ले, फिर प्राइस गिरे, इसी वे पे गिरता रहे, और फिर जब जब तक ट्रेंड लाइन हमें ये ब्रेकआउट नहीं मिलेगी, जब तक हमें इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं मिलेगा अपसाइड, या अपने को इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट नहीं मिलेगा, तब तक हम लॉन्ग टर्म के लिए कोई बाई पोजीशन नहीं बनाएंगे। हम शॉर्ट टर्म के लिए और इंट्राडे ट्रेड बताएंगे, आगे बताएंगे कि अपनी आगे ट्रेड क्या हो सकती है। तो हम गाइस चलते हैं इंट्राडे पर्पज से ट्रेड करने के लिए, तो हम चलते हैं एच1 टाइम फ्रेम में, और एच1 टाइम फ्रेम में डिटेल से समझते हैं। देखो, अगर आप देखो गाइस, ये अपनी बड़े लॉन्ग बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है, और गाइस अगर आप अभी देखोगे तो प्राइज यहाँ से कंटिन्यू एक ट्रेंड लाइन के सहारे यहाँ भी गिर रहा है। अगर आप देखोगे एच1 टाइम फ्रेम में कंटिन्यू इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया, फिर गिरा, रेजिस्टेंस लिया, गिरा, फिर आप देखोगे रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद गिरा। क्लियर हुआ। अगर अब आप देखोगे तो ये मेजर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन हो गई, और ये छोटे टाइम फ्रेम, एच1 टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन हो गई। अब जब तक छोटे टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं होगी, तब तक हम कोई भी शॉर्ट टर्म के लिए वाई पोजिशन नहीं बनाएंगे डीमार्ट में। अगर आप देखोगे तो डाउन साइड अपने लिए एक ये अच्छा खासा बेस बना रहा है, और बेस बनाने के साथ साथ अपसाइड, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, बेस बनाने के साथ साथ अपसाइड इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी ले रहा है। अब क्या हो सकता है, प्राइज एक दो दिन इस वे पे घूमे, और फिर जब यहाँ पास प्राइज को घूमने के लिए जगह नहीं मिलेगा, तो किसी ना किसी साइड, चाहे अपसाइड ब्रेक करे चाहे डाउन साइड ब्रेक करे, किसी ने किसी साइड एक साइड ब्रेक करेगा डिमांड। और जब गाइस ब्रेक करेगा, अगर अपसाइड ब्रेक करेगा तो अपसाइड ट्रेड करेंगे, डाउन साइड ब्रेक करेगा तो डाउन साइड ट्रेड करेंगे। क्लियर हो गाइस। अब हम ट्रेड की बात कर लेते हैं गाइस। तो हम अपसाइड के लिए ट्रेड हम तभी करेंगे जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी, लेकिन हम डाउन साइड के लिए बात कर लेते हैं गाइस। जैसे ही अपना 3400 का लेवल ब्रेक करेगा, जैसे 3400 का लेवल ब्रेक करेगा, तो एक अपने को 3375 तक का एक जोन मिलेगा। क्या 3375 तक का जोन मिलेगा। जैसे ही अपने को 3375 का लेवल डाउन साइड ब्रेक करता है, तो हम डाउन साइड के लिए सेल पोजीशन बनाएंगे। अदरवाइज जब तक 3375 का लेवल डाउन साइड ब्रेक नहीं मिलता, तब तक हम अभी भी डाउन साइड के लिए कोई ट्रेड नहीं करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे ही इस लेवल पे आए, इस जोन पे, तो हम यहाँ से एक बाई एंड डिप कर सकते हैं। अगर कैंडल स्टिक के हिसाब से अपने को कोई पैटर्न मिल जाता है बाई एंड डिप करने का,
तो हम एक कर सकते हैं, क्लियर हो इतना। लेकिन गाइज इंट्राडे के लिए वेट करना, 3515 के लेवल अगर देखोगे तो 3515 का इंट्राडे के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है, या अगर 3515 का लेवल वेट नहीं करना है तो इस ट्रेंड लाइन का वेट करना है। जैसे ट्रेंड लाइन अपसाइड ब्रेक होगी तो भाई पोजीशन बना लेना एक शॉर्ट टर्म के लिए, क्लियर हो गाइज। अब बताओ गाइज डीमार्ट का एनालिसिस कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।